हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपको देव उठनी एकादशी व्रत की कथा और उसके महत्व के बारे में जानकारी देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देव उठनी एकादशी व्रत कथा का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने कार्तिक कृष्ण एकादशी अर्थात रमा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब बाबा कृपा करके मुझे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से इस फल की प्राप्ति होती है? कृपया यह सब मुझे विधान पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में तुलसी विवाह के दिन आने वाली इस एकादशी को देव प्रबोधनी एकादशी, देव उदव एकादशी, देव उठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी तथा प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवोत्थान एकादशी व्रत कथा। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया मुझे नौकरी पर रख लो। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रख दी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस समय उस व्यक्ति ने हाँ कर दिया, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के समक्ष जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शरत की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तब राजा ने उसे अनाज आदि दी। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और नित्य प्रतिदिन की तरह स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान जी चतुर्भुज रूप में आ पहुंचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, हे महाराज मुझे खाने के लिए 2 गुना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, पर भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट हो उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करके वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। आज हमने आपको देव उठनी एकादशी व्रत की कथा और उसके महत्व के बारे में बताया।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भक्ति भजन संग्रह को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।